यूपी मुस्लिम समुदाय को लाउड स्पीकर पर नमाज अदा न करने की मिली नसीहत, एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं और सरकार को लेकर विवाद भी शुरू होने लगा है। कुछ दिनों पहले बरेली के पास एक गांव में मुस्लिम विरोधी पोस्टर लगाने का मामला सामने आया था। इन पोस्टरों में मुस्लिम लोगों को तुरंत गांव छोड़ने का आदेश दिया गया था। इसके कुछ दिनों के बाद ही अब जियानगला गांव की दो मस्जिदों में पर्चे मिले हैं जिसमें मुस्लिम निवासियों को लाउडस्पीकर पर नमाज अदा न करने की नसीहत दी गई है। नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक सुभाषनगर क्षेत्र में गुरुवार रात को एक मस्जिद के पास पैम्फलेट नजर आए, जिस पैम्फलेट में लिखा गया है कि या तो मुस्लिम लाउडस्पीकर पर नमाज करना छोड़ दे या फिर मस्जिदों में नमाज अदा करने नहीं जाने दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैम्फलेट के अंत में सभी हिंदू लिखा गया है। इस घटना की जानकारी अगली सुबह को पता चला। पैम्फलेट में लिखा गया है, मुस्लिमों को स्वयं व्यवहार करना सीखना चाहिए, अब हमारी सरकार सत्ता में आ गई है, नमाज के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना बंद करो, नहीं तो हम दोनों मस्जिदों में नमाज होने नहीं देंगे। यह मात्र धमकी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर के पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने कहा, हमें शिकायत मिली थी कि दोनों मस्जिदों के अंदर भड़काऊ पर्चे डाले गए हैं, इसी आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।